ओके चलिए, अब कोटक एएमसी के एमडी एंड सीईओ नीलेश शाह से बात करते हैं। कैपिटल मार्केट में 3 दशक से ज़्यादा का अनुभव रखने वाले नीलेश जी शब्दों के बेहद सरल हैं लेकिन उनके मतलब बहुत गहरे होते हैं, तो आइए उनसे समझते हैं। और नीलेश जी के साथ एक चीज़ है, वो इक्विटी डेट दोनों मार्केट्स पर बहुत स्ट्रांग पकड़ रखते हैं। नीलेश जी गुड मॉर्निंग। नीलेश भाई अब क्या करना है मार्केट में, क्योंकि एक क्लियर कट जो अप्रोच रही है मार्केट में पिछले कई महीनों से कि किसी भी डिप में अगर आपने बाय किया तो बड़ा पैसा बनाए, क्या वो अप्रोच अभी भी कंटिन्यू करें? सो अनुज भाई, आजकल मार्केट और आईपीएल में काफी समानता दिख रही है। जैसे मार्केट में बुल्स का जो नो हावी होना अच्छा लग रहा है, वैसे ही आईपीएल में बैट्समैन का हावी होना दिख रहा है। चाहे अभिषेक शर्मा हो चाहे ट्रैविस हेड हो, वो एक बॉल पे दो दो रन बना रहे हैं। लेकिन कभी कभार संदीप शर्मा जैसा बॉलर 5 विकेट ले लेता है, बुमराह जैसा बॉलर रन कम देता है, तो अपनी मार्केट में जनरली बैट्समैन हावी रहेंगे, बुल्स अच्छा करता रहेंगे, लेकिन कभी कभार बुमराह या संदीप शर्मा जैसे बॉलर या इवेंट आके एक बार मार्केट में परेशानी खड़ी कर सकते हैं। तो मैच तो बैट्समैन ही जिताएंगे, बट बीच बीच में बॉलर आके परेशानी खड़ी करते रहेंगे। तो इन बॉलर्स को सपोर्ट कहाँ से मिलेगा नीलेश भाई, क्योंकि मार्केट में इस समय डर शायद एक, अब पता नहीं वो डर सही है या नहीं है, लेकिन जो पिछले एक हफ्ते का ट्रेंड देख के लग रहा है, डर तो मार्केट को अब सिर्फ एक इलेक्शन से लग रहा है कि कहीं मार्केट ने बहुत जल्दी ही अब की बार 400 पार तो नहीं बचा लिया था, और क्या इस पर थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। लेकिन क्या ये इशू है आपके हिसाब से, या फिर अगर इसकी वजह से डिक्लाइन आती है तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी? सो मेरे हिसाब से अनुज भाई, अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल, जियोपॉलिटिकल रिस्क ज्यादा है। अभी क्रिस वुड, ग्रीड एंड फियर वाले ने भी लिखा कि मार्केट जियोपॉलिटिकल रिस्क को डिस्काउंट कर रहा है, तो एक खतरा वहां से आ सकता है, मिडिल ईस्ट में कहीं बबाल मच जाए तो उसकी इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे ग्लोबल मार्केट के जरिए भी पड़ सकती है। दूसरी चीज फेड है, जितनी स्पिन जो नो कोई अच्छा स्पिनर कर सकता है उससे कहीं ज्यादा टर्न फेड ले रहे हैं। कभी हायर फॉर लॉन्गर कहते हैं, कभी इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है कहते हैं, कभी कहते हैं इस साल 3 रेट काटेंगे, कभी कहते हैं नहीं काटेंगे। तो फेड की गुगली भी मार्केट की विकेट में थोड़ी परेशानी कर सकता है। और तीसरी और फाइनल चीज जो है अनुज भाई, वो ये है कि हम अच्छा कर रहे हैं उसमें कोई संदेह नहीं, बट बाकी जो दुनिया के मार्केट है वहां पे उन्होंने सेल्फ कॉल किए हैं, तो वो हमसे काफी डिस्काउंट पे चल रहे हैं। रशिया ने यूक्रेन का सेल्फ कॉल किया तो हमसे 1/8 वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है। चाइना रियल एस्टेट और ताइवान की उलझनों में फंसा है तो हमसे 1/3 डिस्काउंट पे चल रहा है। ब्राजील में कम्युनिस्ट सरकार है तो हमसे 1/2 डिस्काउंट पे चल रहा है। अगर ये देश अपने सेल्फ कॉल करना बंद कर दे और हमारी तरह अपनी इकोनॉमी सही तरीके से मैनेज करने लगे, तो हो सकता है निवेशकों का अलोकेशन उस देशों में बढ़ जाए और हमारे यहाँ पे थोड़ी बिकवाली हो। सो अलग अलग इवेंट की वजह से मार्केट में एक बाधा आ सकती है, एंड मुझे लगता है इवेंट देख के हमें कॉल लेना चाहिए, जो करेक्शन है वो खरीदने की अपॉर्चुनिटी है या थोड़ी राहत देख के लेना चाहिए। ओवरऑल जैसा मैंने कहा, बैट्समैन या बुल्स मार्केट में अल्टीमेटली विक्ट्री पाएंगे। अब इस विक्ट्री गाथा में अर्निंग्स की एक बड़ी भूमिका रहने वाली है नीलेश जी, और सबसे बड़ा वेटेज ऑफ कोर्स फाइनेंशियल्स का ही रहता है, और हमने दिग्गज बैंकों में ICICI, एक्सिस, HDFC के नतीजे देख लिए। अब सबकी नजरें ऑफ कोर्स रहेंगी कि PSU बैंक क्या लेकर आएंगे, क्योंकि एक लोअर क्रेडिट कॉस्ट का फायदा शायद उनके हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। तो पहले तो निजी बैंकों के नंबर्स को आप कैसे रेट कर रहे हैं, और साथ ही साथ सरकारी बैंक क्या इनसे बेहतर कर पाने की क्षमता रखते हैं इस क्वार्टर में या नहीं? सो एक अगर ब्रॉड ट्रेंड देखा जाए तो लिक्विडिटी मार्च क्वार्टर में थोड़ी तंग रही, शॉर्ट टर्म रेट्स थोड़े ऊपर रहे, और फेड
कि रेट कट डिफरल की वजह से मार्केट यील्ड भी अप्रैल के महीने में थोड़ी ऊपर आ गई। तो ये सारी चीजों मिला के ये कहना मुनासिब होगा कि बैंक्स के जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है उसके ऊपर प्रेशर बना रहेगा, और जो हाइज हमने नेट इंटरेस्ट मार्जिन में दिसंबर 23 क्वार्टर में देखा था वो शायद मार्च 24 और जून 24 क्वार्टर में न देखने को मिले। उसके सामने एडवांटेज ये है कि क्रेडिट ग्रोथ अभी भी डबल डिजिट चल रहा है, एनपीएस का प्रेशर उतना नहीं बना है, बैलेंस शीट काफी क्लीन और फुल्ली प्रोवाइडेड है। तो मेरे हिसाब से एक समरी करें तो जनरली पीएसयू बैंक्स जिनके डिपॉजिट फ्रेंचाइजी अच्छी है उनके मार्जिन पे कम इम्पैक्ट आनी चाहिए, उनके नतीजे जनरली मार्केट की धारणा से अच्छे या अनुसार आने चाहिए। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में मोर बॉटम अप स्टॉक स्पेसिफिक हो गया, कुछ बैंक के नंबर अपेक्षा के अनुसार आए या उससे भी अच्छे आए, कुछ बैंक में डिसअपॉइंटमेंट मिली। बट मेरे हिसाब से बैंकिंग क्षेत्र में अब ओनरशिप अंडर ओनरशिप की तरफ जा रही है, और जिस बैंक को कैपिटल रेज की जरूरत नहीं है, जिनकी कैपिटल एडिक्वेसी अच्छी है, डिपॉजिट फ्रेंचाइजी अच्छी है, वह शायद यहां से मार्केट को आउट परफॉर्म करना चालू करते। ओके साथ ही साथ क्योंकि हम यूएस में इंटरेस्ट रेट्स पर चर्चा कर भी रहे थे, अब देखते हैं इवेंचुअली वहां पर जून में क्या निकल कर आएगा, इस वीक शायद ही कुछ एक्शन लिया जाए, मोस्टली डायरेक्शन पर ही फोकस रहेगा, लेकिन ऐसी स्थिति में जहां पर वो इंटरेस्ट रेट्स का घटना थोड़ा सा और डीले हो गया है, ये आईटी कंपनियों के कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि सभी ने अभी भी यही कहा है कि कॉन्फिडेंस इतना उभर कर नहीं आ रहा है कि टर्न अराउंड देखने को मिलेगा या फिर विजिबिलिटी शायद बेहतर होती दिखाई दे, क्या इन लेवल्स पर हाल के करेक्शन में फिर खरीदारी करना शुरू करें टू स्टे अहेड ऑफ द कर्व? सो आईटी क्षेत्र में मैनेजमेंट है वह और निवेशक है वह, दोनों दूध के जले छांस भी फूक फूक के पिए वैसा बर्ताव कर रहे हैं। मैनेजमेंट देख रहे हैं कि इस वक्त सेल्स के ऊपर वॉल्यूम के ऊपर बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, सेल्स साइकिल लंबी हो गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से इफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, तो ये सारी चीजों को मिला के मैनेजमेंट उतनी स्ट्रॉन्गली गाइडेंस नहीं दे पा रहे हैं जितनी मार्केट को एक्सपेक्टेशंस हैं। निवेशकों का देखे तो उन्होंने आईटी क्षेत्र में जो निवेश करके रखा है वह काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो दोनों बाजू से एक कॉशियसनेस है। हमारे हिसाब से उन कंपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सदुपयोग करके अपने क्लाइंट के लिए सस्ता अच्छा और बेहतर सॉल्यूशन दे पाएंगे वह शायद इस राउंड के विनर होंगे। सेल साइकिल लंबी हुई है तो आज नहीं तो कल सेल्स ऑर्डर में बंचिंग अप भी होगी। पिछले साल आईटी इंडस्ट्री ने तकरीबन 65,000 से 70,000 लोगों को रिप्लेस नहीं किया, बट इस साल उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में अपॉइंटमेंट लेटर्स तो दिए हैं। अगर ये अपॉइंटमेंट लेटर्स वाले लोग सब नौकरी पर लग जाए तो प्रोबेबली एक सिग्नल है कि अब आईटी क्षेत्र को वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहा है। अगर उनको खाली लेटर मिला और नौकरी नहीं मिली और उनको लटकाते रहे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा है। तो एक रिक्रूटमेंट कैसे चल रही है, लेटर अपॉइंटमेंट में और एक्चुअल वर्क में कन्वर्ट हो रहे हैं कि नहीं, वो एक साइन है जिसे देख के आप कॉल ले सकते हैं कि अब आईटी क्षेत्र में निवेश करने के योग्य है या नहीं। मुझे लगता है आने वाले 3-6 महीनों में आईटी क्षेत्र की बॉटम बननी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा नीलेश भाई, सबसे ज्यादा पैसा पिछले 2 साल में बना है पीएसयूज में, क्योंकि मार्केट ने एक शायद एक अलग रवैया अपनाया पीएसयूज को लेकर, और सिर्फ ये स्टॉक्स पीएसयूज थे इसके लिए जो वैल्यूएशन डिस्काउंट था वो काफी हद तक ट्रिम हुआ है। कुछ सेक्टर्स को छोड़ देने से पीएसयू बैंक, तो अब वो डिस्काउंट शायद रहा नहीं, लेकिन क्या अभी भी पीएसयूज में पैसा बनेगा या फिर अभी कुछ टाइम के लिए आपको लग रहा है कि यहाँ पर जो बड़ी जो क्रीम थी वो निकल चुकी है? सो अनुज भाई, जो एक मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी थी पीएसयू की, वो शायद अब शॉर्ट टर्म के लिए निकल चुकी है, बिकॉज पहले बहुत सस्ते थे, अब मार्केट वैल्यूएशन के आसपास है। बट पीएसयूज में आपको
अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ेगा। एक PSUs वह है जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक बहुत कम है, 4% फ्लोटिंग स्टॉक, 7% फ्लोटिंग स्टॉक, 11% फ्लोटिंग स्टॉक, 15% फ्लोटिंग स्टॉक। यहाँ पे जो प्राइस डिस्कवरी हो रही है वह बहुत कम फ्लोटिंग स्टॉक, बहुत कम ट्रेडिंग पे हो रही है, और इसलिए मुझे लगता है कि वह अपनी फेयर वैल्यू से काफी ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। वहां पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, वहां पे नया निवेश नहीं करना चाहिए, वहां पे नए सप्लाई की राह देखना चाहिए। अगर आप उस कंपनी के ऊपर बुलिश हो तो शायद लेने का अच्छा मौका नए सप्लाई में मिल जाएगा। ये सारे PSU को 25% मिनिमम फ्लोट लाना है। जिस दिन ये सप्लाई मार्केट में आएगा शायद इन काउंटर्स में आज के दाम देखने को नहीं मिलेगा। दूसरे PSUs है जहां पे बेहतर फ्यूचर की उम्मीद में आज भाव चल रहे हैं। एक PSU था जिसका सैलरीज एंड वेजेस बिल पिछले क्वार्टर का सेल से ज्यादा था, लेकिन उम्मीद है कि यह PSU नए ऑर्डर्स प्राप्त करेगा, अच्छा वॉल्यूम आएगा, अच्छा पैसा बनेगा। यहाँ पे थोड़ी कॉशियसनेस की जरूरत है। यस, इनके फ्यूचर अच्छे है, उसमें कोई दो राह नहीं है, बट उस अच्छे फ्यूचर के लिए आप कितनी प्राइस देना चाहेंगे, और ये फ्यूचर आज होगा, कल होगा, परसों होगा, उसे देख के आप निवेश करिए। तीसरे जो PSUs है उसके पास कुछ ना कुछ मोनोपोली ओलिगोपोली जैसा एक एडवांटेज है, चाहे माइंस हो, चाहे रिसोर्सेस हो, चाहे एक स्केल हो। इन PSUs में आज का प्रेजेंट भी अच्छा है और कल का फ्यूचर भी अच्छा है, और वैल्यूएशन रीरेट जरूर हो गए हैं, सो यहां से मल्टीबैगर नहीं बनेंगे बट कंपाउंडिंग अभी भी कर पाएंगे। तो एक रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ी मॉडरेट कर दीजिए, और इस प्रकार के PSUs में जहां पे फ्लोटिंग स्टॉक रीजनेबल है, जहां पे कमर्शियल वायबिलिटी दिख रही है और ग्रोथ आने की भी काफी उम्मीद बरकरार है, इस प्रकार के PSUs में आप निवेश कर सकते हैं। अच्छा मीन भाई, एक बार जरा मार्केट लेकर आइए वापस, एक अच्छा मोमेंटम इस समय 90 पॉइंट निफ्टी ऊपर, लेकिन बैंक निफ्टी देखिए 450 पॉइंट ऊपर, और अब सभी बैंकों में अच्छा मोमेंटम आ रहा है। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, दोनों के दोनों स्टॉक्स अब इस समय डे हाई पर, और यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम। खैर इस सेक्टर की मैंने बात कर ली, लेकिन एक्सिस बैंक देखिए और नंबर्स के बाद से लगातार एक स्टॉक है जहाँ पर एक री रेटिंग कंटिन्यू हो रही है। अच्छा नीलेश भाई, एक स्पेस जहाँ पैसा बनना शुरू हुआ है वो है आप जिस स्पेस को कैटर करते हैं, पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड प्लेस, मार्केट इंटरमीडियरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स, एक्सचेंजेस, डीमैट कंपनियां, ब्रोकर्स, AMCs, सब में बड़ी रैली आई है। ये ऑब्वियसली एक इंडिया की एक्विटी कल्ट को शायद रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन क्या यहाँ पर अगले 5-6 साल के लिए कंसिस्टेंटली पैसा बनाने के मौके हैं? So, अनुज भाई आपने बहुत सही सवाल पूछा। अगले 5 साल के लिए उसका आंसर काफी ईजी है कि हाँ, इस क्षेत्र में पैसा बनेगा। धीरे धीरे हमारे देश में लोग सेवर से जो डिपॉजिटर बन रहे थे वह आज सेवर से इन्वेस्टर बन रहे हैं। जाहिर है कि इस वजह से उन्हें डीमैट अकाउंट, ब्रोकिंग अकाउंट, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज, ये अलग अलग प्रकार की कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस है, कंपनीज है, उसका बिजनेस और वॉल्यूम बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से जैसे हम म्यूचुअल फंड में देख रहे हैं, जैसे जैसे हमारी साइज बढ़ेगी वैसे वैसे हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट अपने यूनिट होल्डर्स के साथ शेयर करना पड़ेगा। सेम चीज एक्सचेंज के ऊपर, डिपॉजिटरी के ऊपर भी आज नहीं तो कल लगेगी। तो इस क्षेत्र में जब आप निवेश करें तो 5 साल का व्यू लेके जरूर निवेश करिए। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि जब उन्हें अपनी इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट यूनिट होल्डर्स या कंज्यूमर के साथ शेयर करना पड़े तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी में उतना ग्रोथ नहीं दिखेगा जितना शायद आज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है। मार्केट के उतार चढ़ाव की भी इन क्षेत्र पे असर पड़ेगी। तो 5 साल का व्यू लेके मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज में जरूर से निवेश कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट रिलेटेड कंपनीज जो एक सेवर को डिपॉजिटर से इन्वेस्टर की राह पे चला रहे हैं वहां पे भी निवेश कर सकते हैं। नीलेश जी, मैं आपकी राय एक ये कमोडिटी साइकिल पर भी लेना चाहूंगी, क्योंकि पिछले पूरे महीने हमने देखा है वो मेटल्स के दामों में लगातार इजाफा ही देखने को मिला, जो क्लियरली कुछ कंपनियों के लिए बेहतर साबित हुए लेकिन कुछ के लिए आगे मार्जिन्स के तौर पर भारी पड़ सकते हैं।
लेकिन इस साइक्लिकलिटी में क्या अभी भी निवेशकों के हाथ में और पैसे बनाने के मौके मिलेंगे? सो एक मेटल की साइकिल समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, एंड इस बार एक तरफ आप देखें तो ग्रोथ कम हो रही है और दूसरी तरफ मेटल के दाम बढ़ रहे हैं। यह स्पेक्यूलेशन है, डिमांड सप्लाई है, जियोपॉलिटिकल रिस्क है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। बट एक बात तय है, अगर मेटल के दाम इतने ऊपर रहे तो ग्लोबल ग्रोथ जो थोड़ी वीक है वह और भी वीक हो जाएगी और मेटल डिमांड के ऊपर एडवर्स इम्पैक्ट आएगी। तो हमारा मानना यह है कि इस वक्त मेटल क्षेत्र में जिस प्रकार के कमोडिटीज के दाम बढ़े हैं, चाहे कॉपर हो, स्टील हो, एल्यूमिनियम हो, वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग का समय है। साइकिल कब टर्न होगी किसी को पता नहीं है, बट इस लेवल पे मेटल प्राइसेस को सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल लगता है लुकिंग एट द ग्लोबल ग्रोथ। यहाँ पर एक और चीज़ नीलेश जी जो हमने रीसेंट पास में देखी है वो हैवीज वर्सेस मिड कैप्स, और उस पर हमने खूब चर्चा पहले भी की है। यहाँ से अगले मूव के लिए आपको क्या लग रहा है, दिग्गजों में ही सबसे ज़्यादा वो पोटेंशियल अभी भी दिखाई दे रहा है अर्निंग्स के लिहाज से हो या फिर बाकी के जो ट्रिगर पॉइंट्स हो, ये साल दिग्गजों के नाम ही है अब तक? तीन क्षेत्र जिसे हम देखे जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, अंडर परफॉर्म किया है, वह है आईटी, एफएमसीजी और प्राइवेट बैंक्स। इन तीन क्षेत्र में ज्यादातर दिग्गज कंपनियां हैं और उनकी वैल्यूएशन डीरेट हुई है, उनकी इन्वेस्टर्स ने जनरली खरीदारी नहीं की है, प्रॉफिट बुक किया है या वहां पे नए पैसे नहीं लगाए हैं। अब अगर मॉनसून अच्छा होता है तो हो सकता है एफएमसीजी कंपनी को फायदा हो, अगर लिक्विडिटी अच्छी रहती और ब्याज के दरों में कटौती होती है तो हो सकता है प्राइवेट बैंक्स को भी फायदा हो, और अगर वॉल्यूम ग्रोथ आता है आईटी क्षेत्र में तो आईटी क्षेत्र को भी फायदा होगा। ये तीनों सेक्टर की अंडर परफॉर्मेंस होने की वजह से वैल्यूएशन अब आपकी फेवर में है और ट्रिगर है मॉनसून के, वॉल्यूम ग्रोथ के या रेट कट्स एंड लिक्विडिटी के, जो इन क्षेत्र को सहारा दे सकते हैं। यह आज नहीं होगा वो सर्टेन है, बट आने वाले 6-9 महीनों में शायद इसमें से कोई ना कोई घटना घटित हो जाए। अगर ये होगा तो ये तीन सेक्टर चलेंगे और उनमें दिग्गज कंपनी का चलना स्वाभाविक है। तो ये सारे कारणों की वजह से मुझे लगता है कि लार्ज कैप रिस्क एडजस्टेड रिटर्न वाइज अब सबसे अच्छा मौका दे रहे हैं। मिड और स्मॉल कैप में आपको बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा और माइक्रो कैप और एसएमई में प्रॉफिट बुक करने का समय है। आपका व्यू कंसिस्टेंट रहा है। एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, वोडाफोन आइडिया का एफपीओ आया और एक ऑब्वियसली स्टॉक स्पेसिफिक सवाल नहीं है मेरा, लेकिन मैं एक बहुत जनरल सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। एक 18,000 करोड़ के एफपीओ पर 1,25,00,000 करोड़ की बोलियाँ, ये क्या बता रहा है आपको? क्या ये एक सेक्टर में कॉन्फिडेंस है कि जो इतना बड़े सिर्फ एक होप ट्रेड पर लोगों ने इतना पैसा लगा दिया, या फिर ये भारत की ग्रोथ स्टोरी पर एक कॉन्फिडेंस है, और इस स्पेस में अब आपका क्या व्यू है? सो अनुज भाई, इंडिया में आप जो भी कहे उसका ऑपोजिट भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो इस ट्रेड में कई लोग आए हैं जो टेलीकॉम क्षेत्र पे बुलिश है, उन्हें लगता है इलेक्शन के बाद टेलीकॉम आरपूस में अपवर्ड रिविजन होगा एंड उस वजह से टेलीकॉम कंपनीज को फायदा होगा। कुछ लोगों ने कंपनी स्पेसिफिक कॉल लिया है कि ये कैपिटल इन्फ्यूजन की वजह से उनकी सेकेंड इनिंग चालू होगी, एंड सरकार भी कह रही है कि हमें भारत में ड्यूओपोली नहीं चाहिए, कम से कम 3-4 कंपनीज चाहिए टेलीकॉम क्षेत्र में, तो हो सकता है कोई ना कोई कंसेशन मिलेगा, कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा, कोई ना कोई पॉलिसी चेंज होगा जो इस कंपनी को बेनिफिट होगा। तीसरा, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने देखा होगा कि भाई ये 10 रुपए का स्टॉक है, चलो निवेश कर देते हैं, देखी जाएगी क्या होगा। तो मेरे हिसाब से अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग व्यू से इस कंपनी में आए हैं। मैं आशा रखता हूं कि समझदार लोग ज्यादा आए होंगे, मोमेंटम चेजर्स कम आए होंगे।
निलेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू सर.